नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमवी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा को मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर याचिका को लौटाते हुए राजा सिंह को तुरंत छोड़ने के निर्देश दिए हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि भाजपा नेता को मंगलवार सुबह ही तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने का आरोप है और सैकड़ों प्रदर्शनकारी मंगलवार देर रात हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा तक मार्च करके बरकास की सड़कों पर उतर आए और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर के निलंबित भाजपा नेता राजा सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और बहुत सारे इनमें प्रदर्शनकारी जो थे उनके पास काले झंडे भी देखे गए। अच्छा, ये जो मैंने आपसे 5-6 लाइनें शेयर की हैं ये बताती हैं कि हमारे यहाँ इस निंदा सही नहीं है, इसे कानून गलत बताता है और जो ऐसे करते हुए पाए जाते हैं हमारा संविधान हमारा कानून उन्हें सजा देता है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि उस जगह पर जो नारे लगा रहे थे वो नारे बहुत आपत्तिजनक थे। मैं आपको बता दूं कि टी राजा ने अगर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की है तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है ना, और बाद में कोर्ट से उनको राहत भी मिली है। जो भी हुआ संविधान के अनुसार ही चल रहा है, यानी कि टी राजा को जब वीडियो देखा गया उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, वो नारे देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा बहुत दिनों से सुना जा रहा है। ये नारा सुना नहीं जा रहा है, इसको अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। लेकिन आज जिस बात से मुझे बेहद तकलीफ हुई वो ये थी कि ये नारा बहुत छोटे बच्चे भी लगा रहे थे। एक छोटी बच्ची अपनी माँ की स्कूटी के पीछे खड़ी है, नारा लगा रही है, और वो बच्ची ही नहीं बहुत सारे बच्चे वहाँ मैं देखती हूँ कि ये नारा लगा रहे हैं। एक्चुअली दुख की बात यह है कि बच्चों को इस्तेमाल नारों के लिए किया जा रहा है। एक तरह से इन छोटे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, हम उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं, किस कदर बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है जो वो भीड़ के साथ इकट्ठा होकर के प्रदर्शन स्थल पे पहुंचते हैं और फिर वो नारे लगाते हैं। अब आपको आपके मन में ये भी एक जिज्ञासा हो रही होगी कि मुसलमानों को ये नारा लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, इस नारे से भोले भाले मुसलमान जो ठीक से एजुकेटेड भी नहीं है वो इन नारों को लगा रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि ये नारा आखिर कहाँ से आया, किसने इसे ईजाद किया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके ही गार्ड मुमताज़ कादरी ने हत्या कर दी थी। सलमान तासीर पर ये आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान के कुख्यात ब्लास्फेमी कानून की आलोचना कर दी है। सलमान तासीर के ये वारदात होने के बाद पाकिस्तान में एकदम से राजनीति में भूचाल आ गया था, काफ़ी वहाँ गर्माहट महसूस करी जा रही थी उस समय। और इसी समय में एक मौलाना काफ़ी चर्चा में आ जाता है जिसका नाम था खादिम हुसैन रिजवी। इस मौलाना ने मुमताज़ कादरी को गाजी घोषित कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में उनके समर्थन में लोगों को इकट्ठा किया। उसी दौरान उसके जलसों में दो नारे काफ़ी फेमस होने लगे,
लोग इनको ध्यान से देखने लगे। एक नारा था लबैक, जिसे रसूल अल्लाह कहा जाता है, और दूसरा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये नारा जो है पाकिस्तान से, यानी कि हमारे पड़ोसी देश से यहाँ इंपोर्ट हुआ है, और इन दो नारों ने मानो पूरे पाकिस्तान को उस समय अपने प्रभाव में ले लिया था। हालांकि 2016 में मुमताज़ कादरी को सलमान तासीर के हत्या के अपराध में फांसी दे दी गई थी, लेकिन इस सजा का भी इस्तेमाल मौलाना खादिम ने, हुसैन रिजवी ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। इस अपार बहुत बड़े समर्थन से खादिम हुसैन रिजवी और अधिक बलशाली हो जाते हैं, और उन्होंने तहरीके लबैक नामक एक राजनीतिक दल बना लिया। मैं पाकिस्तान की बात और वहाँ इस नारे को इजाद होने की बात आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस नारे ने हमारे भारतवर्ष की आबोहवा को ख़राब करने के लिए, जैसे इसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करना शुरू कर दिया है। तो मैं बात कर रही थी इसी नारे की 2018 के चुनाव में नेशनल असेंबली में कोई सीट तो नहीं मिली उसे, लेकिन कुल वोटों का 4.9% खादिम हुसैन रिजवी को ज़रूर मिला, और पंजाब और सिंध के असेंबली इलेक्शन में भी उसे लगभग इतने ही वोट मिलते हैं। पहली बार में ही मिली इस राजनीतिक सफलता से पूरे पाकिस्तान में खादिम हुसैन रिजवी एकदम से फिर से सुर्खियों में आ जाते हैं। पाकिस्तान का इसे सौभाग्य कहिए या फिर दुर्भाग्य कहिए, राजनीतिक पार्टी बनाने के 2 साल बाद ही 2020 में खादिम हुसैन रिजवी पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं और एक बुखार में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उनका नारा सरतन से जुदा, जो इस समय पाकिस्तान में बहुत हवाओं में गूंज रहा है, ये हमारे भारतीय कहना चाहिए समाज के लिए एक बहुत बड़ा इस समय इसको मैं संकट कह सकती हूँ, संकट बन गया है। अब टीवी पर नुपुर शर्मा का बयान हो या फिर इससे पहले यति नरसिंहानंद द्वारा उठाए गए सवाल हो, उनके विरोध में मुस्लिम समाज द्वारा जितने भी प्रदर्शन हुए, सभी प्रदर्शनों में खुल करके इस नारे का इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम समाज ने इस नारे को ऐसे अपना लिया मानो खादिम हुसैन रिजवी ने इस नारे से उनकी एक पहचान बना दी हो। लेकिन अब सोशल मीडिया पे इन नारों को लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अच्छा, ये मामला नारा लगाने तक ही सीमित नहीं रहा, अगर इतना भी होता तो बात समझ में आती। बात तब बिगड़ी जब इस नारे के बाद मुस्लिम समाज के नबी की निंदा करने वालों के सर तन से जुदा भी किए गए। इसी साल अब तक नबी निंदा, जिसे हम इश निंदा भी कह सकते हैं, के नाम पर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। पहली जनवरी में किशन बरवाड़ की गुजरात में, दूसरी उमेश कोले की महाराष्ट्र में, और तीसरी कन्हैया लाल की राजस्थान में। इससे पहले 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की भी हत्या कुछ इसी तरीके से की गई थी इस निंदा के मामले को लेकर के। इस साल हुई अगर तीनों हत्याओं को देखें तो इन हत्याओं में काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आती है। जैसे किशन भरवाड़ और कन्हैया लाल की हत्याएं इस्लाम की बरेलवी विचारधारा से जुड़े मुस्लिम समाज ने की है, स्वयं खादिम हुसैन रिजवी जिसने सरतन से जुदा का नारा दिया था वह भी बरेलवी मशलक वाले ही मुसलमान था। कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज अत्री और गौस मोहम्मद खान भी इस्लाम की बरेलवी विचारधारा के मानने वाले मुस्लिम हैं। ये लोग पाकिस्तान के जिस इलियास कादरी से प्रभावित थे और उसके पास रहकर भी आए थे, जिसके सबूत भी मिल गए हैं, वह इलियास कादरी भी बरेलवी मशलक का मुसलमान है और दावते इस्लामी नामक इस्लामिक संगठन का चीफ है। किशन भरवाड़ की हत्या का तार भी बरेलवी मशलक के मौलाना
कमर गनी उस्मानी से जुड़ा हुआ था। ये सब चीज़ें तफ्तीश की जा चुकी हैं। मौलाना कमर गनी को दिल्ली के दरियागंज से गिरफ्तार किया गया था, वहीं किशन बरवार की हत्या का सूत्रधार था। और ये एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है कि बरेलवी मशलक से जुड़े मुस्लिम समाज को कट्टरपंथी देवबंदियों के मुकाबले में अधिक उदार समझा जाता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि नबी निंदा यानी ईश निंदा के नाम पर भारत और पाकिस्तान में जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनमें से ज़्यादातर के तार बरेलवी मशलक से ही जुड़ते हैं। और इस निंदा की हत्या के पीछे हमेशा कोई ना कोई बरेलवी मौलाना या मौलवी ही पाया जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कौन है बरेलवी और कौन है देवबंदी मुसलमान। भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के दो बड़े फिरके हैं, बरेलवी और देवबंदी। बरेलवी मुसलमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों के बीच बहुसंख्यक हैं। इस्लाम के भीतर बरेलवी मसलक या विचारधारा की शुरुआत अहमद रज़ा खान कादरी से होती है, और अहमद रज़ा खान को भारत और पाकिस्तान में आला हज़रत के नाम से भी जाना जाता है। अहमद रज़ा खान 19वीं सदी में हुए और उन्होंने इस्लाम पर सैकड़ों किताबें लिखी। अहमद रज़ा कादरी ने मुख्य रूप से सल्फी या देवबंदी विचारधारा के खिलाफ दलीलें दी थी। देवबंदी मुस्लिम समाज सूफी परंपरा और दरगाहों को हराम मानते हैं, जबकि बरेलवी मशलक के मुस्लिम समाज मज़ारों और दरगाहों को पूजते हैं। ये बेसिक इनमें डिफरेंस है, और इस लिहाज से इन दोनों के बीच आपसी टकराव भी रहता है। दोनों ही एक दूसरे को काफिर करार देते हैं। देवबंदी और बरेलवी दोनों ही इस्लाम के सुन्नी हनफी स्कूल से जुड़े हुए हैं और अपने नबी की सुन्नत पे भरोसा करते हैं। कुरान के साथ साथ हदीसों को भी जस का तस स्वीकार करते हैं, लेकिन देवबंदी विचारधारा से जुड़े मुस्लिम समाज के लोग ईश निंदा यानी कि नबी निंदा के नाम पर की जाने वाली हत्याओं को सही नहीं मानते। उनका कहना होता है कि जिहाद के जरिए पहले इस्लामी निज़ाम को कायम करना ज़रूरी है। यहाँ सेकुलर निज़ाम है, वहाँ ऐसे नबी निंदकों को खुद सजा देने से अच्छा है कि कानून के हवाले उन्हें कर दिया जाए। कन्हैया लाल की हत्या के बाद भी देवबंदी जमातों की ओर से इस हत्या की निंदा की गई थी और ऐसा ही बयान जारी किया गया था, लेकिन बरेलवी मशलक के मुस्लिम समाज ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो उनके नबी की निंदा करता है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये जो उनका नारा है, एक खतरनाक नारा है, ये जब आज मैंने बच्चों के मुंह से सुना तो मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जो स्कूल में होनी चाहिए और जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हों, वो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन वो वहाँ पर काले झंडे लेकर के इस तरीके के आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। तो एक मासूम बच्चे के दिमाग को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना सच में बहुत ही गलत बात है। ये मतलब बहुत इसकी निंदा की जानी चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ना कि बच्चों को ऐसे प्रदर्शन स्थलों पर लेके जाया जाए और उनसे नारे लगाए जाए। आज जो मैंने इस नारे का जिक्र किया है, केवल और केवल इसलिए किया है क्योंकि ये अब बहुत अलार्मिंग स्टेज है। अब जब पता है सबको कि टी राजा को कार्रवाई के घेरे में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी होती है, जब उन्होंने इस निंदा की उसके बाद उनको कोर्ट से राहत मिल जाती है, ये सारी एक कानूनी प्रक्रिया है, ये हर एक का हक है। और अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप ही बताइए कि छोटे छोटे बच्चों से इस तरीके के नारे लगवाने क्या अच्छी बात है? दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे
लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और ये कंटेंट जिसमें मैंने इस नारी की बात की है और बच्चों के इस्तेमाल की बात की है, आपको नहीं लगता कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, इस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।